और अपने माइंड को स्थिर करते हैं। ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होगी कि आपको गोवा में स्कूटी बाइक कहाँ से रेंट करनी है, कैसे रेंट करनी है और कैसे किसी स्कैम का शिकार नहीं होना है। वेल, चलिए तो थोड़ा बात कर लेते हैं हम गोवा कैसे पहुंचा जाए। इसी के साथ बात कर लेते हैं कि खर्चे कितने होंगे। इतने कम खर्चे में बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं ना कि आप कवर कर सकते हो, प्लेसेस घूम सकते हो, ये फलाना ढिमकाना हिंदी लाल्टे। नहीं यार, उतने कम पैसे में नहीं कर सकते। गोवा की वाइब्स को हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले आपका विचरण करा देते हैं जिस प्रॉपर्टी में हम रह रहे हैं उसका। यही वैसे तो है दोपहर का वक्त, पर चाय मेरे हाथ में है, आप मेरे साथ में हैं, तो वीडियो की शुरुआत तो बनती है। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वक्त हम हैं गोवा में। वेल, चलिए तो थोड़ा बात कर लेते हैं हम गोवा कैसे पहुंचा जाए। तो दिल्ली से भी डायरेक्ट ट्रेन चलती है वडगांव के लिए। वडगांव से एक स्टेशन पहले थिवीम रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो अगर आपको नॉर्थ गोवा घूमना है, कैलंगुट बागा जैसे बीचों को कवर करना है, तो आपको थिवीम ही उतरना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट और मोस्ट ऑफ द क्राउड यहीं पे होता है। और मुंबई से भी डायरेक्ट ट्रेन दिन की कई सारी चलते हैं, लेकिन अगर आप टिकट्स उनके निकालने जाएंगे तो आपको वेटिंग में ही मिलेगा। टिकट्स इतनी आसानी से कंफर्म नहीं मिलती, क्योंकि गोवा के जो प्लान्स बनते हैं वो अगर हमें परसों जाना है तो आज प्लान बन गया, मतलब विद इन अ वीक प्लान बनता है। तो ऐसे में तत्काल टिकट के लिए ट्राई किया जा सकता है। 90% ऑफ द टाइम तत्काल टिकट्स बुक हो जाते हैं गोवा के लिए, कुछ परसेंटेज ही चांसेस है कि शायद ना हो पाए। ऐसे में अगर आप यंग हैं, लड़कों का ग्रुप है, तो यार जनरल कंपार्टमेंट में चले जाओ, बहुत ज्यादा रश नहीं होता, सारे गोवा आने वाले ही बच्चे होते हैं। ऐसे में हुड़दंग करते हुए, मस्ती मजाक करते हुए एक कंपार्टमेंट में बैठ के ओवरनाइट की जर्नी होती है। शाम को बैठो, सुबह पहुंच जाओ, आप थिवीम में हो। मैं ऐसा पर्सन हूँ जिसे शांति बहुत ज्यादा पसंद है, तो ऐसे में मैं जहाँ पे अभी रुक रहा हूँ, ये कॉटेज, ये मुझे ज्यादा पसंद है कंपेटिटिवली जो गोवा की प्लेसेस हैं वहां घूमने के। लेकिन कहीं ना कहीं होता है यार कि गोवा एक बार जाना है, हर एक स्टूडेंट ग्रुप भी प्लान करता है और फिर कुछ कारणवश नहीं हो पाता वो एग्जीक्यूट। पहला एग्जीक्यूट ना होने का कारण ये होता है कि टिकट्स अवेलेबल नहीं है। जनरल कंपार्टमेंट में आ जाओ, लड़कों का ग्रुप है तो ठीक है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं कि खर्चे कितने होंगे। यार जितना करना चाहोगे उतना हो जाएगा, और जितने कम खर्चे में बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं ना कि आप कवर कर सकते हो, प्लेसेस घूम सकते हो, ये फलाना ढिमकाना हिंदी लाल्टे। नहीं यार, उतने कम पैसे में नहीं कर सकते। आप दूसरे जो भी यूट्यूबर को देख रहे हो और वो बता रहे हैं एक एक करके खर्चा, उतना डिटेलिंग में मैं तो जाऊंगा नहीं, उससे 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पे आएंगे, आपके सामने ही स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोग टैक्सी लिए खड़े रहेंगे। फिर थोड़े आगे आएंगे आप तो वहाँ पे बस स्टैंड दिखेगा, जहाँ पे बसेस चलती हुई आपको नजर आएंगी। और उसके साथ ही कुछ लोग आपसे स्कूटी हायर करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको उनसे करना है तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आएं और उसके बाद स्कूटर हायर करें। हालांकि मैंने ऑनलाइन स्कूटर हायर कर लिया था, जैसे कि आप अपने इंटरनेट पे सर्च करते हैं नियर थिवीम रेलवे स्टेशन या मडगांव रेलवे स्टेशन स्कूटी रेंट सर्विसेज, बाइक रेंट सर्विसेज, तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ऐसे में आप उनको कॉल करते हैं और वो एक दिन पहले बुकिंग लेते हैं। एक दिन पहले आपको एक उनको अमाउंट, छोटा सा टोकन अमाउंट देना होता है और उसके बाद आपकी स्कूटर बुक हो जाती है। अगली सुबह जब आप आते हैं, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे जमा करना पड़ा, और साथ ही साथ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी उनके पास उन लोगों ने डिपॉजिट करके रख लिया और बोला कि ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो ले लो, कोई अगर ट्रैफिक पुलिस पूछता है तो उसे आप ये दिखा सकते हैं। ऐसे में मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपको नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड रखना ही पड़ेगा और मोस्ट प्रेफरेबली DL ही वो रखते हैं। भाई हम कैलंगुट के अपने रास्ते पे निकल चुके हैं। बाकी दूसरे सारे ब्लॉग्स और जानकारियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो यहाँ की वाइब्स है ना वो कमाल की है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, जिसका मैं आपको दूंगा टूर, पर उससे पहले रूम में चलते हैं, वहाँ का टूर देते हैं और ये चाय जो मैंने बनाया है अभी अपने हाथों से उसको एक बार टेस्ट करते हैं। और ये बहुत ही बकवास मैंने चाय बनाई है, मैंने कहा था ना ये चाय बहुत ही ख़राब हो गया। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं कुछ ऐसा रूम हमारे सामने नज़र आता है और बस यही है। सामने का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये एक पॉन्ड जैसा बना के रखा है इन लोगों ने। अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स एंड ऑल सब कुछ अवेलेबल है, साथ ही साथ उनमें भी रूम्स अवेलेबल हैं। वो जो सामने के बिल्डिंग दिख रही है उसके अंदर भी, या फिर आप कॉटेजेस भी ले सकते हो। हमने कॉटेजेस चूज़ किया था
थोड़े महंगे हैं वो ऑफ कोर्स, बट स्टिल उनमें रहने का एक अलग ही वाइब है, क्योंकि आपको आपकी पर्सनल प्राइवेसी के साथ साथ एक यू नो वो अलग ही एक फील आ जाता है। पूल के यहाँ से जब हम सामने निकल जाते हैं तो लगभग 200 मीटर पे एंट्री गेट है इसका, और साथ ही साथ और सारी जगहों पे तो मैं गया ही नहीं, यहाँ से ऐसे लेके ये पूरा गोल ऐसे राउंड आप घूम सकते हैं, काफ़ी दूरी में फैला हुआ है ये प्लेस। ये रिसेप्शन एरिया है इनका, वहाँ पर स्विमिंग पूल लेके चलता हूँ मैं आपको। चेंजिंग रूम और यहाँ स्विमिंग पूल, बहुत सारे लोग हैं अंदर इस वक्त। और इसी के साथ हम स्पेक्स लाना भूल गए हैं। फिर शाम का वक्त हो गया है, थोड़े वक्त में अंधेरा हो जाएगा, जाते हैं अब। साथ में ये प्यारा सा एक ऐसा ब्रिज भी है छोटा सा। बहुत ज्यादा यहाँ की वाइब को आपको मैंने दिखा लिया, अब इस वाइब को फील करते हैं, कैमरे को विराम देते हैं और अपने माइंड को स्थिर करते हैं और इस वक्त में विलीन होते हैं। चलिए तो इसी नोट पे इस शॉर्ट ऑफ टूर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप ये प्रॉपर्टी को देखना आपने एंजॉय किया। अब ये क्या है, कौन सी जगह, कैसा है ये, मैं एक्सपीरियंस बहुत अच्छा अगर यहाँ का हुआ तो ही बताऊँगा। एनीवे इसी नोट पे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसो रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।